हेलो एवरीवन आई एम श्वेत अम्बरी शर्मा फ्रॉम के एम एस फैशन आज हम फाइनली लास्ट पार्ट लेके आए हैं अपना जो कि हमारे लास्ट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है आर पी एस सी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के लिए सो so, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कोई क्वेरी है तो आप हमें पूछ भी सकते हैं सो लेट स्टार्ट विद टूडेज़ क्वेश्चन सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडे इज़ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स द लॉन्गीट्यूडनल सेक्शन ऑफ कॉटन शोज जो कॉटन का लॉन्गीडनल जो सेक्शन होता है मतलब हमारा एक माइक्रोस्कोप में देखने पर एक क्रॉसेक्शनल आता है एक लॉन्गिट्यूडनल आता है तो लॉन्गीट्यूडनल ये पूछ रहे हैं कि कॉटन का कैसा लगता है ट्विस्ट पिगमेंटेशन स्केल्स या सिरिसिन सो करेक्ट ऑप्शन अगर आप उसका देखेंगे तो वो कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है कॉटन का हमारा रिबल लाइक स्ट्रक्चर होता है रिबल लाइक -like कौन सा स्ट्रक्चर होता है ट्विस्टेड सो so, यहाँ पर आंसर हमारा रहेगा ट्विस्टेड स्ट्रक्चर जैसे कि अगर हम वुल की बात करें तो उसमें स्केल विजिबल हो गी. ठीक है नेक्स्ट है द वाटर सोल्यूबल प्रोटेक्टिव गम इन सिल्क इज़ ऑल्सो नोन एज जो सिल्क के अंदर वाटर सोल्यूबल प्रोटेक्टिव गम यूज़ होती है आप सिल्क का जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो देख सकते हैं यहाँ पर सो so, और इससे प्रीवियस क्वेश्चन के लिए आप हमारे कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दे सक देख सकते हैं फाइबर का सो so, so, से सैरिकल्चर लिगनिन एंडी या सरिसिन सो इनमें से वाटर सोल्यूबल गम कौन सी होती है हमारी That is my silicon. Silicon को क्या करते हैं वाटर सॉल्यूबल होती है तो हम उसको रिमूव कर देते हैं रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिकुलर चेन्स विद इन अ फाइबर इज जब रैंडम अरेंजमेंट हो मतलब रैंडम अरेंजमेंट मतलब कि कहीं कहीं दूर दूर अरेंजमेंट हो तो फाइबर के अंदर तो वो कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है वो हमारा एमोरफस, क्रिस्टलाइन ऑरिएटेड या फिर डिसऑरिएंटेड। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा एमोरफस स्ट्रक्चर कहलाता है अगर वहीं पर ये रैंडम की बजाय पूछते कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है कॉम्पैक्ट मतलब होता है इस तरह से पास पास का स्ट्रक्चर होता तब हमारा कौन सा आता तब हमारा क्रिस्टलाइन आंसर लाई करता ओके okay? सो so, नेक्स्ट क्वेश्चन द फैब्रिक मेड ऑफ लॉन्ग वूल फाइबर इज कॉल्ड सो ये भी हमने ऑलरेडी इसकी वीडियो डाल रखी है वुलन और रोस्टेड यान करके तो वहाँ पर आप टाइप्स ऑफ यान में इसको देख सकते हैं वुलन रोस्टेड बकल या फिर फ्लेक्स सो so, आपको पता है ये हमारे क्या है नोवल्टी यान है अब मेड विद लॉन्ग वूल फाइबर तो इसका मतलब एक शॉर्ट से बनता है एक लॉन्ग से बनता है सो so, जो हमारे रोस्टेड होते हैं वो लॉन्ग फिलामेंट फाइबर से उसको प्रोड्यूस किया जाता है लॉन्ग फाइबर से बनते हैं ऑन द अदर हैंड जो वुलन्स है वो हमारे शॉर्ट फाइबर से बनते हैं स्टेपल फाइबर से बनते हैं द रिएक्टिव साइट इन कॉटन आर कॉटन के अंदर पर्टिकुलर कॉटन का ये पूछ रहे हैं कॉटन के अंदर रिएक्टिव साइट जो है वो कौन सी होती है हाइड्रोक्साइल ग्रुप अमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर नाइट्रो ग्रुप सो जो फिक्सेशन एबिलिटी होती है कॉटन की विद रिएक्टिव डाइज पर्टिकुलरली सो इट कंटेन आर फॉस्फोनिक या फिर हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स सो कॉटन के अंदर रिएक्टिव साइट कौन सी होती है हमारी कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की क्वेश्चन नंबर एटी वन वॉश फास्टनेस ऑफ डायरेक्ट डाई कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कॉम्प्लेक्सिंग विद सो जो वॉश फास्टनेस होती है डायरेक्ट डाइज की उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है कीटाइनिक फिक्सिंग एजेंट अनायनिक फिक्सिंग एजेंट नॉन आयनिक फिक्सिंग एजेंट या फिर सिलिकॉन फिक्सिंग एजेंट के द्वारा तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम अपने डायरेक्ट डाई की तो डायरेक्ट डाई के लिए हमारे कीटायनिक जो फिक्सिंग एजेंट है वो नेसेसरी होता है ज़्यादातर डायरेक्ट डाई के लिए ताकि उसकी जो वॉश फास्टनेस है वो एनहांस की जा सके नेक्स्ट क्वेश्चन एक कैन बी डाइड विद एक्राइलिक्स को आप कहाँ से डाई कर सकते हैं किससे डाई कर सकते हैं बेसिक से एसिड से डायरेक्ट से या वेट से सो so, हमें ये वैसे पता है कि हमारा जो हमारे कौन से वाली डाई होती है अगर हम बात करें अपने पर्टिकुलरली इसके लिए जो हमारा डाई रहती है दैट इज़ आर कैटनिक डाइज हो कैटाइनिक डाइज हमारी कौन सी होती है हमारी पर्टिकुलरली जो बेसिक डाइज होती है वो हमारी कैटाइनिक डाइज होती हैं जो हमारे किसके लिए काम आती है हमारी प्रिंटिंग के लिए या फिर डाइंग के लिए हमारे एक मोड एकरिक्स हो गए सो कैटाइनिक डाई पॉलिएस्टर फाइबर्स बेस्ड हमारी एक्रेलिक्स को डाई करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पर्जिंग डाई हैव यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ डिस्पर्जिंग डाई की बात हो रही है डिस्पर्जिंग डाई में कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी होती है सब्लिमेशन की परसपिपिटेशन की प्रेसिपिटेशन uh, की सब सस्पेंशन की या डिसोल्यूशन की सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि डिस्पर्स डाई के अंदर गुड क्या होता है गुड सब्लीमेशन होता है पाउडर ड्यू टू इट्स स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट उसका जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होता है वो स्टेबल होता है उसकी वजह से इसका सब्लिमेशन आंसर uh, रहता है फैशन साइकिल फ़ैशन सीजन्स आर टिपिकली फ़ैशन के सीजनस कौन से आपने देखा होगा में फैशन वीक आ रहा है या फिर अलग अलग इन्हीं के फ़ैशन वीक्स के नाम होते हैं तो फैशन के अकॉर्डिंग सीजनस किस तरह से चलते हैं जैसे हमारे सीजनस um, हमारे ऑटम विंटर रेनी समर्स ये सीजन चलते हैं तो फॉल स्प्रिंग क्रिसमस ऑटम ऑटम विंटर स्प्रिंग समर रिसोर्ट स्प्रिंग क्रिसमस फॉल या फिर ऑटम विंटर फॉल स्प्रिंग सो अगर हम बात करें तो फैशन के जो आ, हमारे सीजन है दोज आर स्प्रिंग समर फॉल विंटर रिजॉर्ट एंड प्री फॉल तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जब देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा विंटर है उसको इन्होंने क्रिसमस से भी यू नो you know, किया हुआ है ठीक है तो हमारा आंसर जो क्या रहेगा रिजॉर्ट स्प्रिंग क्रिसमस एंड फॉल देन वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्रोकेटेड साड़ी ब्रोकेटेड साड़ी कौन सी नहीं है बालूचरी पोचम चंदेरी या फिर पठानी सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा पोचम जो है वो नॉट अ ब्रोकेड इन्होंने नॉट पूछा है ब्रोकेट के लिए बालूचरी हो गया चंदेरी हो गया पठानी के अंदर हाईली ब्रोकेडेड जो सिल्क हो गया जरी वर्क हो गया वो यूज़ किया जाता है लेकिन हमारी जो पोचम है वो इक्कट की हैंड वोवन सिल्क साड़ी होती है विच फैब्रिक इज़ वोवन इन साटेन वीव वेयर सिल्क रैप वॉप कवर्स मोस्ट ऑफ द सर्फेस एरिया वाइल कॉटन वेफ्ट लाइज ऑन द अंडर साइड तो इसके अंदर कौन सी है ऐसी हमने साटन की वीव बतानी है ध्यान रखिएगा जिसके अंदर सिल्क वॉप में लगता है और हमारा कॉटन किस में लगता है वेफ्ट के अंदर लगता है सो so, ऑप्शन है पठानी मशरू पोचम या फिर हमारा पटोला तो इसका आंसर हमारा क्या चीज़ रहेगा जो हमारा मशरू है वो हमारा मशरू का मतलब होता है मिक्स मशरू का मतलब होता है मिक्सो मिक्स हमारी मशरू एक ऐसी बहुत अच्छी हमारी साटन वीव है जो जिसके अंदर सिल्क और कॉटन का मिक्सचर रहता है सिल्क वॉप में रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सरफ़ेस जो है वो कवर करते हैं और ऑन द अदर हैंड कॉटन जो है वो वेफ्ट के अंदर लाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एम्ब्रॉयडरी विच इज़ अ फॉर्म ऑफ काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी दैट ऑरिजिनेटेड इन सदर्न एंड सेंट्रल इंडिया यहाँ इन्होंने साउथ और साथ के साथ सेंट्रल इंडिया भी बोल दिया है so, सो कांथा फुलकारी कसूती एंड चिकनकारी तो इसके अंदर अगर हम सेंट्रल इंडिया की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो वो हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या आता है चिकनकारी पड़ता है सो करेक्ट ऑप्शन जो इसका हमारा रहेगा पर्टिकुलरली दैट इज़ आर चिकनकारी सो करेक्ट ऑप्शन फॉर एटी सेवेंथ क्वेश्चन इज चिकनकारी कश्मीर कश्मीर कारपेट डिजाइन आर गाइडेड बाई कश्मीर के जो कारपेट के डिजाइन होते हैं कौन गाइड करता है तालीम जाला अदाई या तिल्ला सो so, जो आ, कश्मीर के हमारे आ, जो फ्लोर कारपेट डिज़ाइन होते हैं उसको हम कौन गा आ, जो कौन गाइड करता है तालीम्स गाइड करते हैं और बेसिकली ये स्पेशल स्क्रिप्ट होती है कारपेट की वीविंग की तालीम इज़ अ स्पेशल स्क्रिप्ट फॉर कारपेट वीविंग बालूचरी साड़ी इज प्रोड्यूस्ड ऑन बालूचरी साड़ी जो है किस पे बनती है फ्रेम वो लूम पे ड्रॉ वो लूम पे ला लॉइन लूम पे या फिर पैडल लूम पे सो so, जो ड्रॉ लूम होता है उसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेज़म्स होते हैं उस हम जिसमें मल्टीपल वॉप और वेफ्ट वीविंग कर सकते हैं सो so, ड्रॉ लूम पे हमारी बालूचरी साड़ी प्रोड्यूस की जाती है चंबा रुमाल आर मेड इन विच स्टेट इन इंडिया चंबा रुमाल कहाँ पर बनता है हिमाचल प्रदेश कश्मीर बैगलॉ बंगाल या फिर बिहार सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा हिमाचल प्रदेश में इससे रिलेटेड आप हमारी टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी की वीडियोज़ देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे वेन ऑल द एलीमेंट्स ऑफ डिजाइन वर्क टूगेदर इट रिजल्ट इन आ यूनिफाइड इफेक्ट ऑफ जब सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स ऑफ और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन पे भी हमारी वीडियोस हैं वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं तो फिर कौन सा हमारा रिजल्ट uh, करता है जब सारे एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं मिल जाते हैं सो एम्फोसाइज प्रोपोर्शन हार्मनी या रिदम सो यूनिटी और हार्मनी को प्रोड्यूस करते हैं हमारे सारे डिजाइन मिलकर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू इज शेयर क्रिस्प फैब्रिक वोवन विद फाइन टाइटली ट्विस्टेड कॉटन यान इज कौन सा होता है हमारा जो क्रिस्प फैब्रिक वो होता है टाइट और फाइन ट्विस्ट कॉटन यान होता है ऑर्गैनजा ऑर्गैनजी वॉयल या क्रेप सो so, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इट्स ऑर्गैनजी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दिस इज सेकेंडरी प्रॉपर्टी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है सेकेंडरी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है आपका यूजीसी नेट के लिए भी आता है और बाकी एग्जाम्स के लिए भी आता है सो सेकेंडरी प्रॉपर्टी टेक्सटाइल फाइबर की कौन सी होती है टेनासिटी कोहेंसिवनेस रेजिलेंसी या फिर यूनिफॉमि यूनिफॉर्मिटी सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा रेजिलेंसी रेजिलेंसी क्या है हमारी सेकेंडरी है बाकी सारे हमारे क्या हैं हमारे प्राइमरी प्रॉपर्टीज हैं टेक्सटाइल फाइबर की विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट आ स्पेशलिटी हेयर फाइबर आप हमारी वीडियो देख सकते हैं स्पेशलिटी फाइबर्स के ऊपर स्पेशलिटी वूल फाइबर्स के ऊपर है वो वीडियो सो लामा वूल विक्यूना एंड अल्पाका सो करेक्ट ऑप्शन है वूल जो है वो हमारे यहाँ नॉट पूछे क्योंकि इन्होंने है ना तो नॉट है जो बाकी सारे हैं वो हमारे स्पेशलिटी हेयर फाइबर स्पेशलिटी वूल फाइबर्स के बने द रोल ऑफ यूरिया इन अ प्रिंटिंग पेस्ट इज ऑफ जो यूरिया है उसका रोल क्या होता है हमारे प्रिंटिंग पेस्ट में वो एक ह्यूमिडिफाइंग एजेंट है थिकनिंग एजेंट है लेवलिंग एजेंट है या फिर वेटिंग एजेंट है सो so, सारा हमारे रिएक्टिव डाइज की अगर हम बात करें तो यूरिया परफॉर्म करता है एक वाटर एब्जॉर्बिंग एजेंट के काम पे प्री ट्रीटमेंट होता है प्रिंटिंग पेस्ट का और हाइड्रेट करता है स्टीमिंग प्रोसेस से सो so, इसके लिए हम इसको क्या कह सकते हैं दैट इट इज़ माई वेटिंग एजेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट कॉमनली यूज डिस्चार्जिंग एजेंट इज डिस्चार्जिंग एजेंट जो कॉमन यूज होता है हमारा सोडियम हाइड्रो सल्फाइट ग्लिसरिन रोंगोलाइट या सोडियम हाइड्रोक्साइड सो करेक्ट ऑप्शन एक्सीलेंट जो हमारा कलर uh, फास्टनेस होता है रबिंग का वो बहुत हमारा ड्राई और वेट um, कंडीशन के अंदर किया जाता है और वो हमारा डिस्चार्जिंग एजेंट जो है वो कौन सा होता है सोडियम हाइड्रो सल्फाइट सो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड जो है वो एक बहुत ही कॉमन हमारा डिस्चार्जिंग uh, एजेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन इज मल्टीपल लेयर्स ऑफ फैब्रिक दैट कवर्स द प्रिंटिंग टेबल आर रेफर टू एज अगर हम अपनी प्रिंटिंग की बात करते हैं प्रिंटिंग टेबल पे जब मल्टीपल लेयर्स होती है फैब्रिक की ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं बैक ग्रे मै मैकिनटोश लैपिंग या फिर पैडिंग सो बाय द नेम इट सेल्फ इट्स नोन एज पैडिंग प्रोसेस हम पैडिंग कर देते हैं प्रिंटिंग टेबल पे ताकि हमारी जो प्रिंटिंग है वो ईवन हो पाए और सही से हो पाए विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ प्रिंटिंग ऑपरेशन प्रिंटिंग ऑपरेशन का सीक्वेंस पूछा इन्होंने सो so हम डायरेक्ट आपको ये बता देते हैं कि क्या रहता है पहले प्रिंट करते हैं फिर ड्राई होता है वो प्रिंट फिर उसको फिक्स करने के लिए जिसको हम बोलते हैं हैं फिक्स करते एंड देन उसकी आफ्टर आफ्टर ट्रीटमेंट या वॉश होती है सो so ये हमारा एक करेक्ट सीक्वेंस है प्रिंटिंग ऑपरेशन का क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन इज विच इज कंसिडर अ प्री करसर टू स्क्रीन प्रिंटिंग प्री करसर मतलब पहले स्क्रीन प्रिंटिंग से पहले क्या चीज हमारी यूज की जाती थी स्टेंसिल ब्लॉक डिस्चार्ज या कॉपर प्लेट प्रिंटिंग सो स्टेंसिल प्रिंटिंग जो है वो हमारा प्री करसर है किस चीज का स्क्रीन प्रिंटिंग का करेक्ट सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड आल्सो लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस 2016 क्वेश्चन पेपर ऑफ आरपीएससी इज व्हाट इज द मोस्ट स्यूटेबल मेथड ऑफ प्रिंटिंग विद डिस्पर्स डाई टू प्रोड्यूस फोटोग्राफिक इफेक्ट फोटोग्राफिक इफेक्ट के लिए ज्यादा स्यूटेबल हमारा कौन सा मेथड है प्रिंटिंग का डिस्पर्स डाई से सो डिस्चार्ज प्रिंट ट्रांसफर प्रिंट फ्लॉक प्रिंट या डायरेक्ट प्रिंट डाई की तरह ही जो हो सो दैट इज आर ट्रांसफर प्रिंटिंग जो है वो सिमिलर है एक सूटेबल मेथड है प्रिंटिंग का विद डिस्पर्स डाई करेक्ट सो ये जो थे ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस थे इस सेशन के सो so होपफुली आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको प्रॉपरली ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बोल सकते हैं अगर आपको लगता है कोई और आंसर ठीक होना चाहिए था तो उसकी डिस्कशन भी हम आपकी नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके आएंगे और अगर इसी तरह के क्वेश्चन आप चाहते हैं तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू के एम एस वैशन टल देन गुड बाय हैव अ नाइस टाइम हैव अ नाइस डे